तो ये स्फेरिकल भी क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 5 वेक्टर, और जिस मटेरियल का बना है, ग्लास का बना है, उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को एक लिक्विड में डुबोया गया, जैसे लिक्विड में डुबोया गया तो इसकी फोकल लेंथ 85 सेंटीमीटर पता चलती है, और ये डाइवर्जिंग लेंस की तरीके बिहेव करने लगता है, यानी अब ये ऑथर लेंस की तरीके व्यवहार कर रहा है, ऑथर लेंस बन गया, यानी अब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। ये आप बताएंगे तो क्वेश्चन है कि ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एयर वाले की बात करते हैं, तो हमको पावर दी, पावर से पहले हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे एयर वाले, तो जाएगी 1/3 यानी 1/5, ये मीटर में आएगी, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एयर में उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला बताया गया कि अगर एयर की बात हो तो एयर में लिखा जाएगा 1/(n-1)n रखा जाएगा, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, 1/(r1)-1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला अगर हम लिक्विड वाले केस में लिखे तो 1/(fl)2 हो जाएगा, लिक्विड वाले केस में रेज लिक्विड से ग्लास में आ रही तो LNG लिखा जाएगा, लिक्विड से ग्लास 1/(r1)-1/r2। अब जो जो वैल्यूज हमको दी गई वो हम लोग रख देंगे, जरा डिवाइड करा ली, जैसे आप डिवाइड करोगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, FL ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा AMG-1/LNG-1। अब वैल्यू रखेंगे, FL की वैल्यू रखेंगे -85, FA की वैल्यू रखेंगे 20, और सॉल्व करते हैं इसको। चलिए नेगेटिव,
आपको एक मिनट अच्छे से समझ आ गया, चले आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखिए, इसमें क्या सन की जो पैरेलल लाइट रेज है वो आके कॉनकेव लेंस यानी आउटर लेंस पे गिरती है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक उत्तर लेंस रखा है जिसकी फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब उसका क्वेश्चन ये कि इस लेंस से पर्दे को कितनी दूरी रखे ताकि इस पे जो है ये जो रेज आ रही है उनकी इमेज बन जाए, सन की इमेज बन जाए, ठीक है। यानी मैं ये एक्स निकाल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये इमेज कहां बनाएगा वो निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/b माइनस 1 रखते वैल्यू, एफ की वैल्यू होगी -10, बी हमको निकालना है, यू की वैल्यू हो जाएगी 3, ये तो 0 हो गया, 1/b इक्वल टू आ जाएगा 1/-1। अब यहां से बी इक्वल टू आ गया यानी ये जो प्रतिबिंब बनाएगा, ये जो इमेज बनाएगा वो इस तरह, क्योंकि नेगेटिव है तो इस तरह 10 सेंटीमीटर बनाएगा, तो ये एस कितने सेंटीमीटर पे मिलेगी 10 ठीक। तो अगर हम उसे पूछे इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस वाले लेंस के लिए यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस वाले लेंस की थर्ड डिस्टेंस को होगा 20a और 10a, 20 इतनी होगी और 10 यानी 30, यानी इस वाले लेंस के लिए यू की वैल्यू होगी 36। तो अगर हम लोग L2 की बात करें इसके लिए U की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर, क्यों होगी ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो 10 तो ये हो गई और 20 ये दी गई 20 और 10 30, F2 आपको दी गई 50, F दी गई 50, और हमको क्या निकालना है V5। और सब लगेगा पहला फॉर्मूला वैल्यू F=V - 1, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी जो सेकेंड वाला लेंस है उससे स्क्रीन को पर्दे को 30 सेंटीमीटर पे रखना। अगली बात सुनिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बिना कुछ भी सॉल्व करे, बिना ये कैलकुलेशन करे भी सॉल्व कर सकते थे, देखिए कैसे। इसलिए क्वेश्चन था बिना कैलकुलेशन करे भी उसको सॉल्व कर सकते थे, देखिए कैसे। तो सबसे पहले इससे पैरेलल रे आगे इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, तो ये कॉनकेव इससे जो रेज बाहर निकलेगी वो ऐसे पता चलेगा जैसे इसके फोकस से आ रही है, उसका फोकस तो 10 सेंटीमीटर पे होगा, जिसकी फोकल लेंथ है ये हमने बिना सॉल्व करे निकाल लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेलल रेज आती है और कॉनकेव लेंस पे गिरती तो उनको ऐसे बाहर रिफ्लेक्ट करता है, मानो वो एक पॉइंट से आ रही है, वो पॉइंट इसका फोकस होता है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 20 पे था और 10 ये 30 हो, तो देखिए एक तरीके से यू की जो वैल्यू है वो ट्वाइस एफ के बराबर है, दुगने एफ के बराबर है 53। और जब 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपने पढ़ा होगा 10th में इमेज भी 2f पे बनती है, यानी इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी ये क्वेश्चन हम बिना कैलकुलेशन करने भी सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट मेथड देखिए, ये अच्छा सा मेथड देखिए कैसे होती है। इसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है,
इसकी जो दोनों सरफेस है उनकी रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है। अब इस लेंस से 20 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है वो सेकेंड वाली सरफेस जो है उसके सेम है। यानी पक्की बात यह है कि जब ये सेकेंड सर्फेस से बाहर निकली होगी तो नॉर्मली उसकी इंसिडेंट भी होगी, उसके सेंटर पर जाती होगी। तो इस केस में क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है कि दोनों सर्फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, वही आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट, ठीक है, कि आर की वैल्यू क्या होगी। एन आपको दिया गया है 1.5। क्वेश्चन सुनने आ गया, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, यानी इसकी भी आर है और इसकी भी आर है। इससे जिस मटेरियल का बना है वो 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है। इससे 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया, इसकी जो इमेज बन रही है वो दूसरी वाली सरफेस के सेंटर है। कैसे बन, तो सेंटर बन रही है, इससे जो रेज निकल रही होगी पक्का नॉर्मली की होगी सीटू पे, ठीक है। अब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर बताना है कि ये दोनों सरफेस की जो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितनी है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जैसे देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 1/r1 माइनस 1, ठीक है। फिर हमने अभी तक यूज कर क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, ये दो फॉर्मूला जो अभी तक अलग अलग यूज करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इस दोनों में इसको मिक्स करके यूज करेंगे, यानी 1/f की वैल्यू लेगी और 1/f की वैल्यू लेगी, यानी ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। यानी इसे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f की जगह लेते हैं 1/v माइनस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करने वाले जब इधर हम लोग यूज, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 1/v, v होता है इमेज का मान, तो इमेज इस तरफ बन रही है, इधर बन रही है, देख रहे ना, ये बन रही है C2, कितने डिस्टेंस से बन रही है r, क्योंकि ये इस तरफ है तो माइनस r रखेंगे, 1/-, ठीक है, इस तरफ है तो माइनस रखना पड़ेगा, ये r हमको निकालना है, -1/v इस तरफ है तो माइनस r रखेंगे, इक्वल टू n, एन हो गया 1.5 - 1 1/r, इसकी बात करें तो इसकी रेडियस इधर कंप्लीट होगी प्लस आर रखेंगे, 1/r2 इसकी रेडियस इधर कंप्लीट होगी तो माइनस आर, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए तो 1/-r - जाएगा प्लस का 1/20 इज इक्वल टू 1.5 - 1 करेंगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 बन जाता है 1/2, ठीक है। 1.5 - 1 करेंगे 0.5 बचेगा, 0.5 बन जाता है 1/2, 1/r - 1/r करेंगे 2/r, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/r प्लस का 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये माइनस 1/r को उधर भेज देंगे तो माइनस 1/r उधर जाएगा तो प्लस 1/r हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, यानी फिर से ये 2/r क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपको जो आ जाएगा इस तरीके में। पहले नोटिंग ऑफ सॉल्व यूज किया, 1/f इक्वल टू n-1/r2 लिखा, 1/f इक्वल टू 1/v - 1/2, फिर दोनों फॉर्मूला भी एलएचएस सेम थी तो वन फॉर्मूला बन गया, 1/v - 1/2 इक्वल टू n-1/r2 फिर v u और r की वैल्यूज को हमने साइन के साथ रखा हुआ है तो सॉल्व कर दिया, तो आपको फाइंड आउट इस तरीके।